नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनिशन। इन दिनों बिहार के सियासत में कोरोना काल में बदहाली की तस्वीर दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां राजद की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार की कथित सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दिखाई जा रही है, उनकी पोल खोली जा रही है, तो वहीं अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने आपको तस्वीर दिखाई थी हाजीपुर की, जहां औचक निरीक्षण करते तेज प्रताप यादव दिखाई दिए, वहीं अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि हसनपुर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से अस्पताल का निरीक्षण किया है। और इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरी तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार बिहार सरकार लगातार हर पैमाने पर विफल ही है, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर अस्पतालों में बेड मुहैया कराने की बात करें या फिर हम बात कर लें अस्पतालों की साफ सफाई की। हर तरीके से यह दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल हसनपुर के एक अस्पताल का निरीक्षण करते हुए तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं और वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा है। कोरोना को लेकर के किस तरीके से सरकार का क्या व्यवस्था है तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कैसे खामियां देखने को मिली है? देखिए, अभी तो हमने देखने का काम किया है तो शुरुआत कहाँ कहाँ तक गए? कहाँ कहाँ अभी तक गए? अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना यहाँ से। अच्छा, तो इस अस्पताल हमको यहाँ मिला तो यहाँ पे हम निरीक्षण करने का काम किया। महुआ वगैरह आप देखते हुए आए हैं, हाजीपुर अस्पताल वगैरह दयनीय स्थिति है, स्थिति ठीक नहीं है अस्पतालों में। आपको बता दें कि इससे पहले राजद की तरफ से एक वर्चुअल संवाद का आयोजन किया गया था और इस संवाद के दौरान इस बात की भी चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से की गई थी कि कहीं भी अगर अस्पतालों की स्थिति बदहाल दिखाई देती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है जो बिहार सरकार की नाकामियों को दिखाती है, उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये मुहिम लगातार आरजेडी की तरफ से जारी है और यही वजह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आए दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर साझा करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। और अब तेज प्रताप यादव एक नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। लगातार इससे पहले अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें तो उन्होंने पटना के प्रमुख सरकारी अस्पताल पीएमसीएच का निरीक्षण किया था, साथ ही साथ गर्दनीबाग के एक अस्पताल भी पहुंचे थे और काफी दिनों बाद एक बार फिर से तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि हसनपुर पहुंचे हैं और वहां का दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आसपास के जो भी इलाके हैं वहां भी मैं जाऊंगा और वहां की बदहाली की तस्वीर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाऊंगा। इस पूरी यात्रा में उनके साथ महुआ से आजरे विधायक मुकेश रोशन भी है और वो भी लगातार इस निरीक्षण में तेज प्रताप यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर से भी सवाल किए जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर एक दिन में कितने कोरोना संक्रमित मरीज अस्पतालों में आते हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन की ओर से की गई है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ स्वनिशन के साथ। नमस्कार।